गत दिनों मांडव थाना क्षेत्र में स्कूल छात्रा रोशनी की हत्या का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया है। छात्रा की प्रेम प्रसंग की आशंका के चलते पिता ने काका और अन्य रिश्तेदारों के साथ साजिश रचकर यह हत्या करवाई। 7 फरवरी को रणगांव में 7 पुलिया के नीचे स्कूली छात्रा का शव पत्थर से कुचला निकला और गले पर धारदार हथियार से वार भी किए गए थे, जिससे छात्र की पहचान नहीं हो पा रही थी। इस हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी थी, क्योंकि एक बीएसएफ के जवान द्वारा बगड़ी फाटे पर पेट्रोल पंप पर कार की डिक्की में से छात्र की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। जवान ने कार का पीछा भी किया था, लेकिन कार आगे निकल गई थी। पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर गए थे, लेकिन छात्र की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस ने जिले के सभी आदिवासी छात्रावास में सूचना दी और तलाश भी किया था, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस ने उक्त कार को सर्च किया और उक्त कार से ही पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। धार पुलिस अधीक्षक कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर बताया कि स्कूली छात्रा ग्राम लुनेरा के पेटलियापुरा गांव में रहती थी। इस लड़की का किसी युवक से प्रेम संबंध था। इस प्रेम संबंध के शक के चलते लड़की का पिता ईश्वर और उसका काका मुकेश और पृथ्वीराज को बोला, लड़की भाग जाती है तो बहुत बदनामी होगी, रोशनी को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद मुकेश ने अपने दोस्त की कार मांगी, नालछा के उत्कृष्ट विद्यालय गए, रोशनी को कार में बिठाकर घुमाने ले जाने का बहाना बनाकर मांडव ले गए थे। पुलिस द्वारा कार को ढूंढा गया, कार के नंबर से आरोपियों के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पकड़े गए। लड़की के पिता मुख्य आरोपी ईश्वर पिता तोलाराम को भी गिरफ्तार किया गया है। धर्मपुरी से कैलाश मावी की रिपोर्ट। देखिए, एक 6-7 तारीख को एक बॉडी मिली थी थाना मांडव में, जिसमें एक लड़की की बॉडी मिली थी जो करीब 11वीं 12वीं क्लास की लग रही थी, और उस लड़की का गला काट के उसकी और फेस जो है उसका फेस पे भी अटैक किया गया था। तो इस पूरी विवेचना में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोग इसमें मुख्यतः सामने आए, उसमें लड़की का पिता ईश्वर, उस मुकेश पिता नंदराम और पृथ्वी पिता थावर। ये मुकेश और पृथ्वी वो 2 लड़के थे जो स्विफ्ट गाड़ी से अपने दोस्त से मांगी हुई स्विफ्ट गाड़ी से उसको लेकर गए थे और पहले उसे जहर पिलाया, उसके बाद बेहोश होने के बाद उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में ये निकल के आया कि जो लड़की रोशनी थी उसको कोई लड़का पसंद था, जिसको लेके घर में विरोध था, और उसके फादर और ये जो उसका अंकल मुकेश है, इन लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि हम इसकी हत्या कर देते हैं ताकि कोई इशू क्रिएट नहीं हो। इस चीज़ को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ये लड़की की हत्या। सर, आरोपी तीनों गिरफ्तार हुआ सर? इसमें 3 आरोपी हैं, लड़की का पिता और मुकेश और पृथ्वीराज, और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर। देखिए, शुरुआत में तो पुलिस ये सोच रही थी कि कोई बाहर दूसरे जिले का की बॉडी हो सकती है, परंतु उसमें लगातार वर्क किया गया। SDOP बदनावर, SDOP धामनौत, TI कानवन, TI मांडू और उनकी टीम ने इसमें अच्छा काम किया। फिर धामनौत की टीम ने एक गाड़ी आइडेंटिफाई की टोल टैक्स से जो निकली थी, उस पर पुलिस ने वर्क करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया। पहले गाड़ी मालिकों को चिन्हित किया, उसके बाद जो लड़के गाड़ी लेके गए थे उन्हें आइडेंटिफाई किया और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, आरोपी घटना के बाद कहीं फरार हो गए थे या यहीं रुके? देखिए, आरोपी जो 2 लड़के हैं मुकेश और पृथ्वी, ये लोग जब पेपर में न्यूज़ चल रही थी उस समय तक बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो ये लोग महाराष्ट्र और गुजरात निकल गए थे। पुलिस ने इनको चेस किया, जब इनको वहाँ से खबर लगी तो ये उधर से वापस आए, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है धार में की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।